बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से लाइव हूँ आप साथ। मैं आपको दे दूंगा सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लक अपडेट, यानी कि एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। आप भाई के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। न्यूज़ क्या है आप भाई के साथ, मैंने एक से डेढ़ माह पहले एक न्यूज़ शेयर की थी जी कि सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाली उन बंदों के लिए बहाल कर सकता है। किन बंदों के लिए? जैसा कि दुबई ने उन बंदों के लिए बहाल की थी, जिन बंदों ने दुबई से दोनों डोज कम्प्लीट की थी वो वापस दुबई में आ सकते हैं। कुवैत ने उन बंदों के लिए बहाल की थी जो बंदे कुवैत से दोनों डोज लेकर बाई सफ़र कर चुके थे और वापस अभी आ सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि अभी भाई सऊदी अरेबिया भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल कर सकता है, और मेरे मुताबिक ऐसा करेगा कि जिन बंदों ने सऊदी अरेबिया से दोनों डोज कंप्लीट की थी वो आ सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। चंद दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल हो गई थी उन बंदों के लिए जिन बंदों ने यहाँ से वैक्सीन की दोनों डोज कम्प्लीट की थी। जिस किसी भाई ने यहाँ से एक डोज पाकिस्तान से ली है वो भी नहीं अभी तक आ सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल अपडेट क्या है? वो अपडेट भाई ये है कि सऊदी अरेबिया सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इनके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर ये न्यूज़ भाई गर्दश कर रखी है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। रेड लिस्ट कौन सी भाई? रेड लिस्ट वो वाली जिस बरतानिया ने उस रेड लिस्ट में पाकिस्तान को रखा हुआ था कि पाकिस्तान में इस वायरस के चांस बढ़ने के हैं या अमवात की शरह बढ़ सकती है, इसलिए पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ था बरतानिया ने। अभी आप भाई ये सोच रखे होंगे कि भाई बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला है, सऊदी अरेबिया को इससे क्या है? भाई सऊदी अरेबिया को इससे ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि दुबई कुवैत वगैरह को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल की थी पाकिस्तानियों के लिए जो यहां से वैक्सीन की दोनों डोज लेकर जा चुके थे। अभी भाई बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला है, इस चीज का असर भाई सऊदी अरेबिया क्या दुनिया के तमाम ममालक के ऊपर होने वाला है, यानी कि पाकिस्तानी कहीं भी सफर करना चाहते हैं तो वहां पर इस चीज का असर होने वाला है। आने वाले चंद ही दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। आप भाई अपना इकामा और छुट्टी चेक करवाएं किसी भी बंदे को अपना अक्षर का पासवर्ड देकर यहां से कि भाई मेरा इकामा छुट्टी देख वो बड़े हुए हैं, यानी कि अपना इकामा अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवाएं अभी से और तैयारी रखें, इंजॉय करें, चार दिन घूमे फिरे खाए पिए। भाई आपके इकामे छुट्टी वगैरह इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगी और बढ़ भी चुके हैं बहुत से भाइयों के, आप सऊदी अरेबिया का सफर जरूर करेंगे। और मेरे मुताबिक आने वाले कुछ ही दिनों में फ्लाइट्स के मुतल्लिक मजीद अच्छी न्यूज सामने आ सकती है।